नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की हुंकार ने महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने जब शिवसेना के लिए हिंदुत्व के हीरो सावरकर की दुहाई देते हुए कहा कि वो रेप इन इंडिया वाले बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। इस बयान से शिवसेना तिलमिला गई है। आखिर ये शिवसेना के उस नायक का अपमान था जिसके नाम पर पार्टी वर्षों से सियासत करती आई है। इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में साझेदार हैं। राहुल गांधी ने अपनी साझेदार शिवसेना के आइकन पर उस मुद्दे को लेकर हमला बोला जो शिवसेना की दुखती रग रही है। राहुल का इशारा हिंदूवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर की ओर से 14 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सरकार को कथित रूप से लिखे गए माफीनामे की तरफ था, जिसे उन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल में कैद रहने के दौरान लिखा था। रेप पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी की ओर से माफी की मांग पर राहुल ने शनिवार को कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है और वो मर जाएंगे पर कभी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल के बयान ने शिवसेना को असहज कर दिया। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि राहुल का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सावरकर का बलिदान समझने के लिए राहुल को कांग्रेस नेता कुछ किताबें गिफ्ट करें। जहां कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना की साझेदार बनी हुई है, वहां पर राहुल गांधी का ऐसा बयान जिसकी वजह से शिवसेना में उथल पुथल मच गई। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।